माई के रोवत छोड़ के गौआ से नाता तोड़ के हो गइल केहू परदेसी रे अपना से मुहवा मोड़ के केहू अतना दुखवा सहेला पेट के खाते केहू अतना दुखवा सहेला पेट के खाते केहू घर से बहरी रहेला पेट के काटे केहू घर से बहरी रहेला पेट के खाते। नमस्कार प्रणाम, आप देख रहे हैं न्यूज विंग और मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त विवेक। इस वक्त हमारे साथ भोजपुरी के दो सुपरस्टार हैं अंकुश जी और राजा जी। सबसे पहले तो न्यूज विंग को टाइम देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। क्या गाना लेकर आए हैं और गाना जो अलग है उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग बताएं। सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद और आपके चैनल के माध्यम से जितने लोग देख रहे हैं सबको प्यार भरा नमस्कार। हमने के वो गाना लेकर आए जब पेट की खातिर, तो पेट की खातिर जो बा सबके विषय बा, केवल हमारे विषय नहीं, राहुल विषय नहीं, सबके विषय बा। अगर उरा कुछ करता नहीं या हमने कुछ करता नहीं जा तो बस पेट के खाते। तो गाना के भी टाइटल हमने के पेट के खाते। ई जो विषय बा हमने के यूपी बिहार के लाखों करोड़ों लोगन के विषय बा, जोन के अपन घर से दूर रह जाले, कर्ज के तले दब जाले, फिर पलायन कर जाले, वो लोग अपन घर परिवार चलावे खातिर पेट के खाते, मतलब दो वक्त के रोटी खाते। तो बस ये बात कि अगर हकीकत में कहीं सच कहीं तो साफ तौर पे कहीं तो एक गरीब के हकीकत के आईना भाई गाना, मतलब बिहार की जो स्थिति है कोरोना के टाइम में जो स्थिति थी या अभी जो स्थिति है, लोगों के पास रोजगार, देखिए हमने जैसे कहीं नहीं जानो कि बिहार यूपी के लोग कहाँ नहीं थे आज के टाइम में। तो कोई के ये खुशी ना होला कि अपन मौज ना होला, ये बताओ तो कि हमने कि यार अपन घर के छोड़ के बाहर बने जाए, बड़ा कोनो मजबूरी ऐसा हो जाला जेकरा वजह से हमने के घर परिवार के छोड़ करके अपन गांव के छोड़ करके बाहर जाए के पड़ेला, घर परिवार के छोड़ करके केहू के ना जाए के मन करेला। तो बहुत सारा ऐसा मजबूरी होला और जब आदमी घर से बाहर जाला तो बाहर में कितना मजबूरी होला, कितना कठिनाई के सामना करे के पड़ेला, आपके पता बा आप बाहर रहता नहीं। तो वैसा लोग की आवाज़ बा और ये गाना के माध्यम से एक संदेश भी बा, और हमने के ये गाना बाकी कोनो राजनीतिक मुद्दा से ताल्लुक नहीं रखत को। राजा भी एगो आपसे सवाल होगा, जहाँ इस वक्त पवन खेसारी चाहे कल्लू तमाम स्टार्स हैं जो गाने लाते तड़कते भड़कते, रोमांटिक गाने हो तड़कते भड़कते हो, डीजे वाले गाने हो, राजा भी लेकिन आप दोनों एक चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं हर बार, एक ऐसा गाना लाते हैं जो समाज के लिए हो। ये पहला गाना नहीं होगा आपका, तमाम गाने भी है जो समाज के लिए आते हैं, तो कितना चैलेंज होता है। दूसरे सिंगर कुछ नहीं कर पाते लेकिन फिर भी आप लोग रिस्क लेते हैं और हर बार ये रिस्क लेते हैं, फिर भी लोगों को समझ में नहीं आता कि अच्छे गाने सुने लोग। बस हम लोग के मन में यही रहता है कि हम लोग ऐसा कुछ करें कि भोजपुरी को सम्मान मिले और हमें आशीर्वाद मिले, हमने अपने दर्शकों अपने भाई अपने हमने के चाचा चाची जो भी लोग देखता है हमने के आशीर्वाद मिले और भोजपुरी के सम्मान मिले। और भोजपुरी के अगर हमारा व्यू ना जाए से अगर ऐसा ऐसा गाना गावे से भोजपुरी के सम्मान मिलता, जैसे कि हमने के अभी झारखंड में बीफा अवार्ड्स रहे ओकरा में गवर्नर के द्वारा हमने के सम्मानित कर गई, तो हमने खातिर और भोजपुरी खातिर बहुत ही गर्व के बात बाटे। और ऐसा हमने के हमेशा व्यू के ना व्यू भी तो आशीर्वाद तो मिलेला और हमने के प्रयास ये रहे कि हमने हमेशा करत रहेंगे। लेकिन भैया जहाँ बात की जाए उन लोगों के गाने की, सभी सुपरस्टारों के गाने की, जैसे उनके गाने को प्यार मिलता है लमसम आपके गाने को भी उतना ही प्यार मिलता है, लेकिन फिर भी आप एक रिस्क लेने को तैयार हैं। बता दें कि रिस्क वाली कोनो बात नहीं है, बात ही बानो कि तड़कता भड़कता जिसे कहने गाना आवे के चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, तड़कता भड़कता गाना आवे, एक पर्दा में रह के गाना आवे, बेपर्दा मत हो के बस गाना, कोई के हमारा हो के चाहे कोई के भी हो के, लेकिन तड़कता भड़कता के साथ साथ ना ये भी गाना ऐसा गाना भी आवे के चाहिए और हर कलाकार के गावे के चाहिए। एक जिम्मेवारी बा, एक जिम्मेदारी बा, जैसे हमने के आज जो कुछ भी बानी जा भोजपुरी से बानी जा तो भोजपुरी खातिर भी अपन योगदान थोड़ा देवे के हमने के दायित्व बनता। और हमने के ये आपके भी पता बा कि हमने के ऐसा गीत बहुत पहले से लेके आ रहा बानी जा, ऐसा कुछ हर बार लेके आवे नहीं जा और आज भी जारी बा, आगे भी सिलसिला जारी रही हमने के ऐसा ऐसा गीत लेके आवत रह जी। सेकंड लास्ट सवाल रही हमारा जी कि जे तरीके से बड़ा बड़ा कलाकार आपका भी नाम है, बड़े बड़े कलाकारों का भी नाम है, मैं नाम किसी का नहीं लूंगा, लेकिन शब्दों का जो हेर फेर है
वो बड़ा गाने में आजकल होने लगा है, कोई कुछ शब्द यूज कर रहा है, कोई कुछ शब्द यूज कर रहा है। हालांकि बड़े जो गायक हैं वो लोग भी इस तरीके की गलतियां कर रहे हैं और इस तरीके की बातें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, तो कितना चैलेंज होगा कि भोजपुरी आने वाले टाइम में बर्बाद हो सकता है। नहीं, ये देखिए, ये क्या है ना कि आपको लेवल सेट करना होगा कि हमें जाना कहाँ है, हमको किस लेवल पर जाकर के सेट होना है, क्या करना। आप जैसा कीजिएगा वैसा आप पाइएगा। आप अच्छे गीत गाएंगे, अच्छा चीज परोसेंगे मार्केट को, आपको रिटर्न में अच्छा ही मिलेगा। क्या अंकुश और राजा जी के पास कोई डिक्शनरी है? और बता दे, मापदंड आप लोगों का बड़ा तगड़ा रहता है। नहीं, कोई ऐसी डिक्शनरी है जो भोजपुरी के तमाम स्तरों को दिया जाए? देखिए, हम बता रहे हैं ना, जैसे आप बोले ना कि हम लोग भोजपुरी बर्बाद, आप बोले ना कि भोजपुरी बर्बाद हो जाएगा, जैसे आपको बता दें कि जो लोग चाहते हैं ना, जो सोचते हैं कैसा भोजपुरी बर्बाद, भोजपुरी बर्बाद बिल्कुल ना हुई, वो बर्बाद हो जाए, लेकिन भोजपुरी बर्बाद ना हुई। भोजपुरी कैसे बर्बाद हो सकता है? बदनाम तो हो सकता है। तो बदनाम नहीं, देखिए भोजपुरी के काम बदनाम करो, वो लोग बदनाम होंगे जो अच्छे नहीं गाएंगे, जो अच्छा कंटेंट नहीं परोसेंगे, वो लोग बदनाम होंगे, ये जाहिर सी बात और है। और आपके बता देना कि जो छड़ी सुख खोला नो, बड़ा कष्टदायक खोला, कोई खातिर भी छड़ी सुख बड़ा कष्टदायक खोला, अगर शॉर्ट श्रेणी अपना छत पे चढ़े खातिर तुम्हें बड़ा रिस्क बा, गिर सकता है, फिसल सकेगा, एक से डायरेक्ट 20 पर चढ़ अपने 13वां 14वां 17वां के मरम जन्म में ना। अच्छा भैया, थोड़ा गाना सुना दीजिए, क्योंकि टाइम बहुत कम है, आप लोगों को बनारस निकलना है। गाना सुना दीजिए, उसके बाद आखिरी सवाल दर्शकों के लिए क्या कहना चाहिए, क्योंकि वो लोग आपके फैंस है, असली हीरो वो लोग हैं। देखिए, सबसे पहले आप सबसे कहता ने कि हमने के जो गाना आए बा पेट के खातिर, एक बार आप सब गाना के जरूर देखी, पूरा सब सुने के चाहिए कि गाना आई काबा काहे इतना रिक्वेस्ट करता है हमने के, और ये गाना के सुनी YouTube पे लिखी पेट के खातिर, अगर अच्छा लागे तो गाना के एक बार शेयर कर दे, काहे कि ये गाना आपके भी ये गाना के माध्यम से आवाज उठेले बने जामन। दो लाइन सुना बताने जा सकते बीच। माई के रोवत छोड़ के गौवा से नाता तोड़ के हो गइल के हो परदेसी रे अपना से मुहावा मोड़ के, केहू अतना दुखवा सहेला पेट के खातिर, केहू अतना दुखवा सहेला पेट के खातिर, केहू घर से बहरी रहेला पेट के खातिर, केहू घर से बहरी रहेला पेट के खातिर। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। तो भोजपुरी के जो तो तमाम दर्शक हैं या तमाम जो गायक हैं, उनके लिए एक रिक्वेस्ट होगा कि अंकुश जी और राजा जी से मिलिए, शायद इनके पास कोई छुपी हुई डिक्शनरी है, जिनसे शब्दों का जो चयन है बड़ा जबरदस्त करते हैं और गाने अच्छे लेके आते हैं। बाकी खबरों के लिए देखते रहे न्यूज़।